हेलो स्टूडेंट्स, अब आते हैं जो इससे पहले वाले पार्ट में था, पेनिनसुलर प्लेटिंग, इसी में का एक छोटा सा हिस्सा है, दैट इज वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट क्या है? ये जो है आपका ईस्टर्न घाट है यानी ईस्ट है, और ये आपका वेस्टर्न घाट है यानी वेस्ट की तरफ है, इसलिए इसको ईस्टर्न घाट। अब आते हैं कि ये कोस्ट यानी जो समुद्र के किनारे जो हिस्सा टच करता है वो भी जमीन, इसको कोस्टल रीजन कहते हैं। और ये जो पहाड़ी है इसी के साथ बीच में ये वेस्टर्न घाट चलती है और ये कोस्ट के साथ साथ चलती है। इस पहाड़ी की खासियत ये है कि यह कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है मतलब ये पहाड़ी कंटिन्यूअस आपस में सटी हुई है और इसमें कहीं पास करने के लिए हमें कहीं ना कहीं रास्ता बनाना पड़ता है। इसी जनरली जो टेढ़े इधर पास करती है वो ईस्टर्न घाट की इसी की तरफ से कोस्टल रीजन की तरफ से एक तरफ आपको पहाड़े दिखाई देंगी। बट अगर ईस्टर्न घाट की तरफ देखें तो ये बीच बीच में कहीं ना कहीं कटा हुआ है। इसकी जो घाट है ये ऊंचाई ज्यादा होती है, यानी नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ते जाएंगे तो पहाड़ों की ऊंचाई बढ़ती जाएगी। बट इसके हिसाब से अगर देखें ईस्टर्न घाट में इसकी ऊंचाई काफी कम होती है और यहाँ पे कहीं कहीं जो ऊंचाई है वो लगभग 2000 मीटर के आसपास तक ऊंचाइयां पाई जाती है। एक चीज और है, खासियत क्या है इसमें, एक अलग तरह का एक क्लाइमेट बनाता है कि ये ऊंचाई होने की वजह से जितना भी मॉइस्चर जो समुद्र से बनता है वो पहाड़ियां इसको रोक देती है, जिसकी वजह से इस पूरे इलाके में केरला तक पूरी ये पूरी बारिश होती है काफी ज्यादा इस इलाके में। बट ऐसा ईस्टर्न घाट पे नहीं है, क्योंकि ईस्टर्न घाट की जो पहाड़ों की ऊंचाइयां हैं और जो लैंड है वो कम ऊंचा है, इसकी वजह से यह थोड़ा पार कर जाता है उस पर। बट इस पर्सपेक्टिव में ये ऐसा नहीं है। और इसमें कौन कौन सी है, महेंद्रगिरी द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट, सेवॉय हिल्स एंड जावली हिल्स आर लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट, साउथ और ईस्ट की तरफ जावली हिल्स है। ईस्टर्न घाट लोकेटेड द फेमस ईस्टर्न घाट में कुछ फेमस हिल स्टेशन है, क्योंकि ये थोड़ा इसका जो मॉइस्चर है वो क्रॉस करके ईस्टर्न घाट को आगे बढ़ जाता है, इसकी वजह से यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा होता है। जैसे उदयगिरम एंड इसको ऊटी के नाम से भी जाना जाता है। अब आता है इस पूरे ट्रैकिंग रीजन का जो एक इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्टिव फीचर्स है, इसकी सॉयल जो होती है वो ब्लैक है, ब्लैक है और ब्लैक सॉइल इंडिया इसी जब वॉल्केनिक ओरिजिन है। पहले भी बताया था इसमें बहुत पहले कोई ज्वालामुखी हुआ करता था जिसमें से लावा फूटा और उसमें से जो मटेरियल्स है जमीन के नीचे से वो बाहर निकला और चारों तरफ फैल गया, जिसकी वजह से यहाँ की जमीन की कलर है वो ब्लैक है। और ब्लैक सॉइल जो है वो कॉटन के लिए काफी ज्यादा सुइटेबल है, इसलिए इस इलाके में वहाँ चाहे आप गुजरात में ले लें चाहे इस इलाके में मध्य प्रदेश में ले लें, यहाँ पे कॉटन की खेती ज्यादा होती है। और अरावली हिल्स, अरावली हिल्स आर लाइन द वेस्टर्न, अरावली जो है पहाड़ियाँ वो वेस्टर्न घाट्स की तरफ है। वेस्टर्न माउंटेन्स ऑफ द पेंसिल प्लेटिंग दे आर हाई इनवर्टेड हिल्स एंड आर फाउंड इन ब्रोकन हिल्स, ये सब बीच बीच में टूटते फूटते रहते हैं, मतलब दे एक्सटेंडेड फ्रॉम द गुजरात टू दिल्ली, ये गुजरात से लेके दिल्ली तक है, हाउ विद द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। माय डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक यू आर फाइन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन, that is our last part of our physical division of India, that is island. We have two island groups, one is Lakshadweep, other is Andaman and Nicobar. ये लक्षद्वीप काफी छोटा है और ये केरला के पास पड़ता है, यानी ग्रुप ऑफ कोरल आइलैंड है, ये कोरल आइलैंड है यानी इसके जमीन में जब पानी समुद्र से जो इलाका टच करता है बीच आइलैंड का तो पूरा है, यानी नीचे रंग बिरंगे चीजें आपको पौधे के रूप में या पत्थरों के रूप में दिखाई देते हैं, इट्स कॉल्ड कोरल आइलैंड। इसका पुराना नाम लक्षद्वीप था, पहले मिनिकॉय था और एक और नाम था अंग्रेजों के समय में एमरिडोर, बट 1973 में इस पूरे नाम को चेंज करके लक्षद्वीप कर दिया गया। यह कवरत्ती इसका कैपिटल है और ये
और ये काफी छोटे एरिया में है और यहाँ पे फ्लोरा और फाउना यानी बहुत तरह के पेड़ पौधे और जीव पाए जाते हैं और ये एक अनइनहेबिटेड है यानी पिट्टी आइलैंड, इसमें एक पिट्टी आइलैंड भी है जहाँ पे मनुष्य नहीं रहता और सबसे बड़ा बर्ड सेंचुरी। अब चलते हैं इस तरफ यानी बे ऑफ बंगाल की सबसे नॉर्थ में, ये अंडमान निकोबार है। ये मोस्टली दो पार्ट्स में डिवाइड है, अंडमान है निकोबार, इसमें कई सारे आइलैंड्स हैं और डायरेक्ट अंडमान निकोबार आइलैंड दे आर बिगर इन साइज लक्षद्वीप के अगेंस्ट है। अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसकी जो साइज है वो काफी बड़ा है। अनदर इज द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स दैट इज अंडमान एंड निकोबार and it is believed that these islands are ये माना जाता है ये समुद्र के अंदर डूबे हुए पहाड़ है और ये इनका जो आइलैंड का ऊपर का हिस्सा जो है वो आइलैंड बनाता है यानी ऊपर का हिस्सा आइलैंड जैसा दिखता है। These island groups have a great strategic importance, इसका एक सुरक्षा के मामले में भी देखा जाए तो इसका एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है क्योंकि कोई भी कंट्री के लिए जहाज है या कुछ भी हो आपको इसी के बीच से होकर गुजरना पड़ता है और ईस्ट की तरफ जो बाकी ऑस्ट्रेलिया या दूसरे कॉन्टिनेंट की तरफ आते हैं तो हम यहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से अपने आर्मी वगैरह भी रखते हैं और पूरे समुद्र पे हम अपनी नजरें रखते हैं। देयर इज अ ग्रेट डाइवर्सिटी, यहाँ भी फ्लोरा और फाउना की बहुत सारी डाइवर्सिटी पाई जाती है और ये माना जाता है क्योंकि आप भी और अंडमान निकोबार के बारे में सर्च कर लीजिए आज भी यहाँ के लोग प्रिमिटिव यानी आदि मैन की तरह रहते हैं जो बाकी लोगों को यानी दूसरे लोगों को देखना पसंद नहीं करते। और इसी अंडमान निकोबार में आपका एक फेमस जगह भी है दैट इज कॉल्ड सेल्वर वेल। सेल्वर जेल जब इंडिपेंडेंस मूवमेंट में बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स को पकड़ा जाता था और उनको सजा के तौर पे यहाँ पे अंडमान निकोबार में लेके रखा जाता था इसी जेल में, सेलुलर जेल में, क्योंकि ये चारों तरफ काफी लैंड से काफी दूर है और काफी समुद्र पड़ता है बीच में, इसीलिए किसी के भागने का यहाँ से कोई चांस नहीं बनता है। और ये एक चीज और भी, ये जो हमारा इक्वेटर पे जाता है आपसे जीवन डिग्री में, हम जानते हैं कि इक्वेटर में बारिश सबसे ज्यादा होती है क्योंकि इक्वेटर पे गर्मी ज्यादा होने की वजह से दोनों तरफ यहाँ पे प्रेशर लो हो जाता है, जिसकी वजह से दोनों तरफ से जो बादल है चाहे वो साउथ की तरफ से हो चाहे वो नॉर्थ की तरफ से हो इक्वेटर की तरफ आता है और इसीलिए ये अंडमान निकोबार का जो क्लाइमेट है वो इक्वेटोरियल है। इक्वेटोरियल का मतलब यहाँ पे बारिश लगभग रोज होती है क्योंकि इक्वेटर पे जो भी कंट्री पड़ेंगे या लैंड पड़ेंगे यहाँ पे बारिश डेली होगी। जैसे यहाँ पे आपका अफ्रीका है इतना नीचे इस तरह, ये इक्वेटर जहाँ पास करता है यहाँ पे